प्यार कर दो पापा को। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो ये देखिए सूर्योदय हो चुका है। तो मैं ना संडे को लेट उठी थी, सुबह 6 बज गए थे, तो मैं आ गई हूँ छत पर और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। मेरी ना जो पलक होती है ना, वो टूट गई थी एक, तो इससे बोलते हैं विश मांगो तो पूरी हो जाती है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अभी हमारे दोनों बच्चे सो ही रहे हैं और ये भी गए हैं दूध लेने के लिए। तो संडे है तो सभी एंजॉय करेंगे, आराम आराम से उठेंगे। और मैंने बच्चों को जगाया नहीं है क्योंकि हर सुबह स्कूल नहीं जाना है। परी तो हमारी सोती रहती हैं लेट तक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे, तो 4 बजे मेरी आँख खुल गई थी डेली की तरह, लेकिन पता है मैंने सोचा संडे है आज, चलो और सो लेते हैं। फिर 4 बजे के बाद मेरी आँख खुली 6 बजे, और वो भी उन्होंने जगाया कि तुम 6 बजे, क्योंकि आज इनका टेस्ट है 8:30 बजे से। तो फिर डेली वर्ष मैं करके आई हूँ तैयारी, नीचे चाय वगैरह रखा हुई मन से भी चलते सकते हैं। अभी बच्चे दोनों सो ही रहे हैं मेरे, और ये देखिए कार पता नहीं क्या गोबर के ढेर में कुछ ढूंढ रही है। पता है एक्सरसाइज भी किया करूँगी कल से, नहीं अब दो दिन बाद किया करूँगी, क्योंकि 2 दिन बाद मेरी समर वेकेशन होने वाली है, इसलिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। कोरे बेटा आ गया उठ के अपने आप, अब तो बड़ा हो गया है, अपने आप आ जाता है मम्मा के पास। मम्मा। हाँ बेटा आ जाओ। देखिए अभी साफ सफाई हमारी पड़ी हुई है। सॉरी बोलो भैया को। हर्षू की तो गुड मॉर्निंग हो गई फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वाली जिसती है। ये देखो क्या, देखिए फ्रेंड्स मैं अपना मेथी पानी बना के रख गई थी, चाय खोल खोल के कितनी रह गई, बिल्कुल थोड़ी सी। और ये देखिए मैंने मखाने फ्राई कर दिए, कुछ ये खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे दोनों। और ये अभी इन्होंने ना खाने के लिए मना कर रहे थे, बोल रहे थे अभी खाना नहीं खाऊंगा, तो इस चला लो। अभी मैंने भर दिया फ्रेंड्स घड़े में पानी, और
फ्रेंड्स, बाहर का काम छोटा मोटा करने के बाद फिर अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग। और ये देखिए हमारी परी खा ही रही हैं अभी, तो पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ फिर और कोई काम करूँगी। अभी मैंने ना किचन में ही झाड़ू लगा के काम अपना शुरू कर दिया था, इनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया था, और अब मैं पूरे घर की करती हूँ साफ़ सफाई। और परी देखिए हमारी कैसे बैठी हुई हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद ना आज मुझे कपड़े भी ढेर सारे कपड़े धुलने हैं, तो वो भी धोने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, सोफ़ा ऊपर अच्छे से सेट कर देती हूँ, फिर चलती हूँ। और जो कल धोए हुए थे ना कपड़े, तो वो रखे हुए थे और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि, और पता है क्या होता है, सुबह और शाम मैं बिजी रहती हूँ और दिन में ना ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो बिल्कुल मन नहीं करता है ऊपर आने का। और हरसू को मैंने कपड़े दे दिए हैं, तो वो नीचे जाके रख देंगे, और जब मैं यहाँ ऊपर काम से फ्री हो जाऊँगी फिर नीचे जाके अपने कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। और ये मौसम ना इतना बेकार सा है, पता है क्या है, गर्मी होती है ना, और गर्मियों में आंधी तूफान इतनी बुरी तरह आती है आंधी, सुबह झाड़ू लगाओ एक घंटे बाद फिर वैसे का ही वैसा हो जाता है। और ये आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी निकल रही है, ऐसे ही हो जाता है, सुबह झाड़ू पोछा करके फ्री हो जाओ ना, और शाम को आंधी आ जाती है, फिर वैसे का ही वैसा ही हो जाता है। और ये क्लिप मेरी आगे पीछे हो गई थी, ये गए थे, और यहाँ देखिए परी घर में खेल रही थी, तो परी को निकाल के पैर छूके उसके बाद गए हैं। परी बोली है पापा मुझे गोद में ले लो, ये देखिए इनका बाप बेटी का प्यार। परी और परी के पापा को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे सभी पिता अपनी बेटियों को ऐसे ही प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं ना वो किया करो, क्योंकि बेटी के प्यार पर ना सबसे पहला हक आपका ही होता है, बाप बेटी का ही रिश्ता बहुत अच्छा होता है। और आप जितना प्यार करोगे ना वही आप उसके साथ रहेगा, उसकी यादों में रहेगा। और फिर ससुराल में तो फिर पता नहीं उसे कैसे मिले क्या मिले, कोई भरोसा नहीं होता है लड़कियों की किस्मत का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और हस्बैंड चले गए थे, और दोनों बच्चे खेल रहे हैं ये देखिए। और मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, झाड़ू तो लगी गई है, पोछा लगा दे रही हूँ अपने पूरे घर में। और अंदर मैंने पोछा लगा दिया है, बाहर की साइड आ गई हूँ, और यहाँ देखिए धूप भी हो गई है काफ़ी, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ, नहीं तो इधर से इधर और ही ज़्यादा धूप हो जाएगी। और अब क्या होता है गर्मी का मौसम है ना, तो 6 बजे 7 बजे तक इतनी तेज़ धूप हो जाती है, चिलचिलाती सी धूप हो जाती है। क्या हो गया परी? तो फ्रेंड्स हमारे पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है, अब बस मैं जाऊंगी छत पर। तो फ्रेंड्स नीचे का सारा काम ख़त्म कर दिया, मैं आ गई हूँ ऊपर, मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। और देखिए हमारी परी नहा धो के फिर से, इनका क्या इनका मन हो रहा है कि ये फिर से भींगे, और यहाँ देखिए ये भींग भी रही है, ये अपनी मछली रानी लेके आई है और बोल रही है कि मैं मछली नानी को नहला रहा हूँ,
यानी कि इनकी ये देखिए मछली रानी है, तो ये मछली रानी को नहलाने के चक्कर में ना खुद भी नहा रही है, और दो बार नहा चुकी है और इतने परेशान करती है ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो मैं अब डाल देती हूँ सूखने के लिए, और धूप आप लोग देख ही सकते हो कितनी तेज़ हो रही है। और मैं ना परी को बार बार मना कर रही हूँ कि नहा चुकी हो, धूप में मत आओ नहीं तो सर्द गर्म बन जाएगी, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता है। तो नहा धो के हम फ्री हो गए थे, आ गए थे नीचे, और अब चलो करके आते हैं पूजा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30-11 बज गए हैं और आज मेरी पूजा लेट हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लगा दिया है भोग कान्हा जी को। सारा काम हो गया है, खाना पीना बस बन ही रहा है और हस्बैंड भी आ गए, तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर, जय माता दी, ध्यान रखें अपना।